हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर राजा वर्मा और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम सिलम कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, सिलम कोन का जो अपर डायामीटर होता है वो होता है हमारा 100 mm का, और जो लोअर डायामीटर होता है ये 200 mm का होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm होती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सिलम कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमको हाइट जो हमारी है सिलम कोन की वो 300 mm है, जिसको हमने मीटर में चेंज किया तो इसमें हमने 1000 का डिवाइड किया तो हमारा 0.3 मीटर आई, यह हाइट है हमारी। और जो D1 है हमारा अपर डायामीटर, तो ये हमारा कोन का जो अपर डायामीटर है वो है 100 mm, तो हमने इसको मीटर में चेंज किया तो हमने 1000 का डिवाइड किया तो यह हमारा आया है 0.1 मीटर। यह है कोन का टॉप डायामीटर, ये वाला। अब हमारा D2 जो है वो कोन का लोअर डायामीटर है, ये वाला, तो ये हमारा है 200 mm, इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 0.2 मीटर, ये हमारा कोन का बॉटम डायामीटर है। फ्रेंड्स, कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है V/H/3 (A1+A2)√A1A2। फ्रेंड्स, हम इससे भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं π/H/3 (R1²)+R1R2+R2²। हमारा वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये होता है A1+A2/2(H). हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए। हमारा जो इसमें A1 है ये कोन का अपर एरिया है, अपर एरिया निकालेंगे जो होगा A1, और जो A2 है ये हमारा कोन का जो बॉटम एरिया है वो है हमारा A2। फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो A1 है ये है हमारा जो कोन है, इसका जो अपर डायामीटर है उसका एरिया निकालेंगे वो होगा हमारा A1, और जो A2 है ये हमारा होगा कोन का जो बॉटम एरिया निकालेंगे हम वो होगा हमारा A2। तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं π/4d²। अब हम A1 निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो π/4d1²। इसमें पाई का जो मान होता है वो हमारा होता है 3.142, और इसमें जो हमारा D1 है, D1 जो हमारा कोन का टॉप डायामीटर 0.1 मीटर है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमारा पाई का मान 3.142/4 × D1 हमारा 0.1 मीटर, तो ये हम नोट करेंगे, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा A1 आएगा 0.00785 SQM² मीटर। अब A2 निकालेंगे हम तो π/4d² जो हम अब निकालेंगे D2, जो कि हमारा कोन का बॉटम डायामीटर है इसका एरिया, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला है π/4d²। अब D2 हमारा क्या है, D2 हमारा है कोन का बॉटम डायामीटर जो कि है हमारा 0.2 मीटर। अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा 3.142/4 × D2 हमारा 0.2 मीटर, तो इस पर हम स्क्वायर करेंगे, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो A2 हमारा आएगा 0.03142 स्क्वायर मीटर। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमारा जो A1 है A1 आया था हमारा 0.00785, और जो A2 आया था A2 हमारा आया 0.03142/2 × H हाइट, तो हाइट हमारी क्या थी 0.3 मीटर, ये हमारी हाइट थी, तो हम इसको इंटू करेंगे 0.3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0.00588 क्यूबिक मीटर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।